आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम जैसे हमने डिस्कस किया था, नेशन को कौन बनाता है, हम लोग। तो जो हमारी इनकम हुई वो ही हमारी देश की इनकम है। ठीक है, एज इन नॉर्मल सेंस में, यू नो, लेमैन लैंग्वेज में, आपको लेमैन क्या होता है, नॉर्मल इंसान जिसने पढ़ा लिखा ना हो उसकी उसकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जैसे देश के सभी लोग जो इनकम कमाते हैं, उन सबकी इनकम जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारी देश की इनकम बन जाएगी। ठीक है, नेशनल इनकम जैसे जो कंसेप्ट, पहले तो हम वो थे, क्या बोलते हैं, हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, हम है ना, ब्रिटिश रूल, तब हमारे यहाँ कोई इतने रिकॉर्ड नहीं बनते होते थे, इतनी रिकॉर्ड इकट्ठे, कौन कितना कमा रहा है, वो वैसे नहीं होते। रिसेंट जब सबसे पहले इस पे जो जो जिस बंदे ने हमारे यहाँ काम किया था वो लिखो, नाम लिखो, दादा भाई नरोजी। मतलब जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट एवर पर्सन, तुम्हारी कॉपी से नहीं खुल रही, खोलो पेन लिखो, क्लास में आया इसलिए करने आया या हाँ चलो। दादा भाई नरोजी जी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, क्योंकि हमारा इंडिया जब तक ब्रिटिश रूल में था कोई बात नहीं कर रहा था एज अ, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में रूलर्स थे, वो साउथ में अलग थे, नॉर्थ में अलग रूलर्स थे, तो मतलब एज अ इंडिया पूरा फॉर्मेट को सब अपने आप को पूरा देश का वासी होता ना, इंडिया एज अ कम्बाइंड कोई मानता नहीं था, वो लोग सोचते थे ये हमारा किंगडम है, हम इसका हिस्से के पार्ट हैं, ये वाले साउथ और अलग मान, मतलब फ्रेगमेंटेड थे हम। तो पूरे देश को इकट्ठा करके एज अ वन कंसिडर करके नेशनल इनकम के बारे में बात करने वाले इंसान दादा भाई नरोजी थे। ठीक है, इन्होंने फिर लेटर ऑन इनके बाद आप हमारे पास आए थे वीवी राव। ठीक है, आप लिखोगे देन, ऐसे लिखो फर्स्ट टाइम दादा भाई नरोजी, देन वीवी राव, एंड लेटेस्ट जो सबसे बात कर, लेटेस्ट की जगह तो एंड बी ऐसे लिखो, एंड देन द मोस्ट होता ना, जिसने सबसे ज्यादा सही काम किया, इन्होंने तो आइडिया दिया, इन्होंने थोड़ा सा काम किया, फिर इसके ऊपर इन्होंने काम किया, बट सही तरीके सही मायने में जिसने काम किया था वो थे हमारे महल नोबिस। महल नोबिस ये हमारे इकोनॉमिक्स थे। मैं इंट्रोडक्शन की आपको लाइनें लिखवा रही हूँ, ऐसे तुम्हारे आंसर्स भी नेशनल इनकम के होनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा तुम्हें व्हाट इज नेशनल इनकम, तो तुम्हें ये लाइन्स भी लिखनी है। जब आएगा क्वेश्चन कि हाउ इज नेशनल इनकम मेजर, तो भी तुम्हारे इंट्रोडक्शन में ये लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद भाई इन्होंने जब कॉन्सेप्ट दे दिया महल नोबिस ने फाइनली कि भाई ऐसे ऐसे नेशनल इनकम हमारे यहाँ होती, क्या होती है नेशनल इनकम, बेसिकली नेशनल इनकम आप लिखो डेफिनेशन इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, या लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक रीजन ऑफ द नेशन, इन द डोमेस्टिक रीजन ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। लिखा सबने मार्केट वैल्यू, जीडीपी, ये हमारा नेशनल इनकम क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक रीजन ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज समझ आ गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू भी समझ आ गया, क्या होता है, बात क्या हुई यहाँ पे, प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक रीजन। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें डोमेस्टिक रीजन को एक्सप्लेन किया था, पूरा इंडिया का मैप बना के मैंने समझाया था कि डोमेस्टिक रीजन सिर्फ उसका लैंड वाला रीजन नहीं, जहां जहां इंडिया का रीजन, चाहे वो वाटरवेज हो चाहे ज्योमेट्री हो, सारा रीजन इंडिया का। ठीक है, उसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो उस देश की बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हुए हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी हम मार्केट वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट। अब इसमें रह गया वर्ड आपका अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जैसे अब आपने सुना हमारा कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, जनवरी टू दिसंबर होता है, लेकिन जो हमारे बैंक में अकाउंट्स बनते हैं जो है वो कब से होते हैं, मार्च अप्रैल, तो वो ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, जैसे जैसे देश का जो भी होगा सबका अपना अपना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ डेफिनेशन। अब और बताएं इसके बारे में, और बात करें कि यहाँ पे इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है, अब कौन करता है, हमारे प्रेजेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएसओ।
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। अब ये बात पूछी जाती है कि किस मेथड से हमारे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। देखो हमारे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं, ठीक है। तीन मेथड्स में हमारा अभी बता रही हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे क्या क्या मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, मेथड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इंडिया में बच्चे इन दोनों मेथड की कॉम्बिनेशन से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। ये आपने पॉइंट नहीं लिखना है कि इन इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ बोथ वैल्यू एडेड एंड इनकम मेथड, ठीक है। ऐसे लाइन लिख लोगे हमारी तीसरी लाइन होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। ये आगे लिखें, ठीक है, आगे लिखें। अब देखो, अब जो भी हमारे नेशनल अकाउंट्स जो भी बनते हैं, इनका मेथड होता है। अब देखो हर कंट्री के, हर कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट होती है हर देश में, फिर हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं, है ना। अगर इस कंट्री ने किसी और तरीके से बनाया, उसने दूसरे से बनाया, तो कंपेरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए हमने एक क्लास यहाँ चल रही है, यहाँ यहाँ ध्यान दें, ठीक है। हमने बनाया गया है नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है, ये जैसे होता है ना वर्ल्ड लेवल पे एक हमने सेटअप, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, उसने बना लिया, ऐसे ऐसे रूल स्पेसिफाई कर दिए कि मोस्टली कंट्रीज को ये रूल्स में मद्देनजर रखते हुए अपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि एज पर इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स ऑफ नेशनल सिस्टम अकाउंट्स, इसको हम एनएसए भी बोलते हैं, समझ आई, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे जब ये जो रूल्स आए, रेगुलेशन आए, उसके बेसिस पे मैंने आपको उस दिन बेस ईयर क्लियर करवाया था। बेस ईयर क्या होता है, लिखिए, ये लाइन कंप्लीट कर ली बच्चे। इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स गिवन बाय नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बेस ईयर समझाया था, क्या होता था बेस ईयर समझाया था ना फर्स्ट क्लास में, बेस ईयर क्या होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने कॉन्स्टेंट एंड नॉमिनल एंड नॉमिनल जीडीपी और कॉन्स्टेंट जीडीपी में, रियल जीडीपी में डिफरेंस समझाया था, समझाया था ना। ये हमारा वो दिखा, इस क्लास में दिखा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में डिफरेंस समझाया था ना फर्स्ट क्लास में, है ना। उसमें मैंने बेस ईयर भी बताया था, समझाया था ना। क्यों नहीं होते क्लास में रिवाइज करके, क्यों नहीं आते हो? हाँ, वेरी गुड। बेस ईयर हमारे यहाँ पे 2011-12 डिसाइड हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, और ये लाइन लिख देना, और ये लाइन लिख सकते हो। अब नेशनल इनकम को जिसमें हम जिस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। एक सेकेंड साइड इस लाइन को लिखना आप कंप्लीट करके कि इंडिया हैज चोजन एज बेस ईयर एज 2011-12 and national income is calculated as GDP at constant market price, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगी आपके इंट्रोडक्शन की। मैंने चार पांच लाइंस, कितनी लाइंस होगी हमारी, 1, 2, 3, 4 और 5, बस पांच लाइंस की आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। नेशनल इनकम का जो भी क्वेश्चन आए ये होनी चाहिए, ठीक है। आज हम ये चीज क्लियर है, अब हम समझते हैं ये मेथड्स क्या होते हैं, और फिर मेथड्स में ही हम ये समझ लेंगे ये चीजें क्या है, ठीक है। अब आप बताओ सर क्या बोल रहे थे। वो बच्चे इन्फ्लेशन रेट की बात करी थी, बेसियर का मतलब क्या था समझ लो दोबारा, वो मैंने बताया था कि हर साल आपकी प्राइसेस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के नीचे, डिफ्लेशन के कारण ऊपर नीचे होते हैं, इन्फ्लेशन यानी ऊपर, डिफ्लेशन यानी कम, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है ना। तो बट हम ये देखने के लिए कि हमारे एक्चुअल वैल्यू प्राइसेस गुड्स की जो हमने हमारे प्रोड्यूस हुई है उनकी एक्चुअल वैल्यू किसी साल में स्टेबल रही हो, है ना, तो ही हम उस कंट्री, उस देश की हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए वो वाला ईयर एज बेस ईयर मानते हैं जिस साल में प्राइसेस गुड्स की स्टेबल रही हो, ताकि कोई भी फ्लक्चुएट, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना लगे। जिस साल प्राइसेस इन्फ्लेशन के कारण हाई हो तो हम वो वाला प्राइस लेके अगर कैलकुलेट कर दें जीडीपी, तो उस साल की इंडिया की जीडीपी हाई दिखने लग जाएगी। आई बात समझ, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, तो जिस साल में प्राइसेस ज्यादा होंगे इन्फ्लेशन के कारण, तो उसके कारण हम सोचेंगे मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, जीडीपी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चीजें गलती ना हो इसलिए हम रियल इनकम निकालते हैं, और रियल इनकम में क्या करते हैं, किसी बेस ईयर को हम प्राइसेस को यूज करते हैं,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलें आगे, हम फर्स्ट मेथड करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है व्हाट आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैं पहले मैं तुम्हें समझाती हूँ ये मेथड ओवरऑल होते क्या, फिर इसका फॉर्मूला वाइज आगे समझते हैं, ऊपर ओवरव्यू समझते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में जहां जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस जिस सेक्टर में भी हो रहे हैं, चाहे वो इस इधर के आपके विद्यापति फैक्ट्री में हो रहे हो, वहां की फैक्ट्रीज में हो रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहे हो, जहां भी जितने भी गुड्स पूरे इंडिया में जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब की हम वैल्यू कितनी है, उनकी मार्केट वैल्यू यानी प्राइसेस कितने हैं, उनको हम सबका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू एडेड मेथड से हमारे देश में कितनी है। ठीक है, अब जिस गुड्स के जो जो वो गुड्स बनाने में जो जो वो लोग लगे थे, है ना, प्रोड्यूस करने में वो लोग लगे थे, उन्होंने कुछ इनकम्स कमाई थी। जैसे हमने कल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि आप लोग फैक्टर सर्विसेज देते हो तो आपको फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं, तो यानी कि आपको इनकम मिलेंगी, तो यानी उस जो आपने इनकम्स कमाई है पूरे देश में जितने लोगों ने काम करके इनकम्स कमाई है, जब हम उस इनकम बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो वो इनकम मेथड से हो जाएगी। अब वही जो आप इनकम कमा रहे हो, आप वही इनकम बाद में उन्हीं गुड्स को खरीदने में स्पेंड करोगे, है ना, वो जो गुड्स बने थे उन्हीं को खरीदोगे तुम, बात समझ आ रही है, जब से हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, है ना, तो जब वो तो तुम खर्चोगे स्पेंड करोगे तो वो हमारा तीसरा मेथड हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। इन शॉर्ट आप चाहे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जिस भी मेथड से कैलकुलेट करोगे, निकल के हमारा जीडीपी ही आएगा और सिमिलर ही होगा, क्योंकि यही वही प्रोड्यूस हुआ था, वहां से इनकम ही आई थी, वही इनकम को तुम खर्चोगे। बात समझ आए कि तीनों मेथड से आंसर तुम्हारा सेम ही आना। हाँ, लेकिन होता है कि जब हम इंडिया किसी कंट्री में कैलकुलेशन करते हैं, कभी कभार डेटा मिसिंग होता है, गलतियां हो जाती है, तो उसके कारण थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट आइडियली तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला मेथड करें। पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इसमें बेसिकली क्या है हमारा, हमारा लिखते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है, अब उसको देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे फॉर्मूला बनता है इसका, इसका मतलब जितना भी आपका आउटपुट हो उस सेक्टर का, उसमें माइनस हमारा आउटपुट, यानी आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि आउटपुट, यानी कि जितना आपका गुड, जैसे कि आपने ये टेबल बनाया अपनी फैक्ट्री में, तो उस टेबल की वैल्यू हम ले रहे हैं, इस आउटपुट जो निकला वो ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमने गुड्स डाले थे बनाने में, जैसे कि स्टील, जैसे कि वो लोहा, जितनी भी चीजें हमारी उसमें इनपुट से थी, हम उसकी वैल्यू नहीं लगाते हैं, हम सीधा फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ, क्यों नहीं ले रहे हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू और सीधा आउटपुट की ले रहे हैं, अगर हम इनकी भी कैलकुलेट करने लग जाए तो यहाँ डबल काउंटिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि अगर इसकी जब हम इस मेथड की लिमिटेशन पढ़ेंगे आगे, उसमें हम ये लिखेंगे, एक्सप्लेन अभी करती हूँ। सपोज फार्मर ने आपके यहाँ मैंगोज उगाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज उगाए, मैंगोज को उसने फैक्ट्री को बेचे, ठीक है, सपोज 100 रुपीज में, जिस फैक्ट्री ने वो मैंगोज लिए उस फैक्ट्री ने उसको स्क्विश किया, स्क्विश समझते हो, है ना, उसका पल्प बनाया, वो फैक्ट्री पल्प बनाने लगी, उस पल्प को उसने इतने इतने कंटेनर में बना के आगे भेजा, जब उसने आगे भेजा, इसने फार्मर ने आगे फैक्ट्री को दिया, फैक्ट्री ने उसमें स्क्विश करने के अपना प्राइस उसमें जोड़ के अगले वाले बंदे को उसको 200 पे भेजा। ठीक है, 200, जब उसने स्क्विश बना लिया, उस स्क्विश जो बने हुआ मिक्सचर था उसको टेट्रा पैक्स में जूस बनाने के लिए उसने दूसरी कंट्री, दूसरी कंपनी को दिया, फैक्ट्री को दिया, उसने वो फैक्ट्री में आगे बेच के वो जो जूस का पैकेट था वो हमारे कंज्यूमर में 500 का बेचा। तो अब हम जो वैल्यू निकालते हैं, हम उसे 500 प्लस 200 प्लस 300 करके 800 नहीं लिखते, हम सीधा ये वाली मार्केट वैल्यू लेंगे या टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे। बात समझ नहीं आ रही, अगर हम तीनों तीनों ऐड करते जाएंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम वैल्यू जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब इस आउटपुट में हम क्या क्या डालते हैं कि इसमें लिखते हैं हम, इसमें हम इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखते हैं हम
आज का आउटपुट प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक लिखो, ऐसे लिखो डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। डेल्टा का वर्ड, डेल्टा जो सिंबल मैंने बनाया है उसे ट्राइंगल, इसको बोलते हैं क्या, चेंज। ठीक है, कहीं पे भी तुम मैथ्स में कहीं भी पढ़ोगे इसका मतलब चेंज ही होता है। इस चेंज इन स्टॉक का मतलब है, इस चेंज इन स्टॉक का मतलब है तुमने क्या किया है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ आई, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, जितना तुमने आज प्रोड्यूस किया है उसमें तुम उसमें तुमने जो पिछले पिछले दिन का जो स्टॉक पड़ा था तुमने उसको भी ऐड किया। ठीक है, उसको भी ऐड किया क्योंकि कल हमने जैसे सपोज की टेबल्स बना रहे थे या सपोज मैंगो टेबल बना रहे थे तो उस टेबल्स में आज हमने 500 बनाए लेकिन कल के 500 बचे हुए जो बिके नहीं तो वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर आज हमारे बेचने के बाद जितने बच गए, सपोज हमने आज 600 टोटल बन गया था उसमें से 80 बच गए तो हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ये जिनके घर पे अकाउंट्स या बुक्स बनती हैं, जिनका कुछ होगा तो उनको आइडिया होगा कि कैसे अकाउंटिंग चलती है, क्योंकि हमने पिछले साल के जो पिछले दिन के जो बिके नहीं है वो भी ऐड करेंगे तो पता चल गया कितना हमारे पास स्टॉक है, और जो बच गया जो आज बिका नहीं वो माइनस कर देंगे, मतलब आज का करंटली हमारे जो सेलिंग स्टॉक है वो टोटल आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक। बात समझ आई, चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इतना स्टॉक आज के दिन में उस दुकान पे था, उस फैक्ट्री में इतना स्टॉक आज प्रेजेंट था। क्यों हम ये आउटपुट ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि वो देखो यहाँ पे हमने मार्केट वैल्यू ली है तो बेसिकली वो क्या करेगा, कैसे ढूंढेगा कि कितने बिके, सेलिंग सेलिंग के हिसाब से वो चल रहा है तो सेलिंग कितनी हुई वो उस रिकॉर्ड उसमें मिलता है। आप जो कंपनीज होती है वो अपना रिकॉर्ड कैसे बनाती है, कंप्यूटर लगा देती है, जितना स्टॉक आता है वो ऐड करती है जितना, है ना, तो वो ही चीज वो मेंटेन करा फिर उसी का तो रिकॉर्ड वो आगे भेजेगी कि आज हमारे देश में जैसे सपोज 31st को क्लोजिंग होनी है तो वो 31st को ये पूरा रिकॉर्ड बना के आगे भेजेगी ना, कल का इतना था आज इतना बच गया। अगले साल जब ट्रांसफर होता है तो वो चीज मैनेज करते हैं ना कि कितना, अगर आपका 31st की डेट में ही देखना हमारे देश में कितनी इनकम थी तो हमें वो चीज देखने के लिए पुराना और आज का सारा टैली करना पड़ता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, जब हम तीनों सेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, ये कैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे हमारे क्राइटेरिया होगा वो मैं तुम्हें बता दूं। जब हम तीनों सेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं, तीनों सेक्टर्स का, तो हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तीनों सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड, तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट स्टॉक, सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा वाला होता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है, उसका आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट स्टॉक, टर्शियरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर के हम ग्रॉस वैल्यू एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बेसिकली जब आप बुक्स देखोगे, बुक्स देखोगे अभी प्रेजेंट जो चीज हुई है तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ पे अब नेशनल इनकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होती है, बट जब आप अपनी बुक्स देखोगे, नोट्स देखोगे, उसमें हमेशा नेशनल इनकम इक्वल्स टू एनएनपी एट, यहाँ ध्यान दो, एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट निकाली होगी। ठीक है, जितने नोट्स होंगे, जितनी बुक्स होगी, आप लेटेस्ट भी देखोगे ना तो भी उस सभी में एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूल्स तो आ गए हैं लेकिन आपकी बुक्स तो अभी भी वही चल रही है, और इनिशियली जब ये मेथड्स बने थे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के वो तो यही थी ना, वो तो गवर्नमेंट ने अब चेंज किया, अपना सिस्टम इंडिया ने अपना चेंज किया, लेकिन नेशनल इनकम अकाउंट बनाने के तरीके तो यही है ना। तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पूछा होगा तब तुम यही से रुक जाना, बट अगर पूछा है कि तीन मेथड ऑफ नेशनल इनकम बनाओ तो तुम्हें जो मैं आगे स्टेप्स बताऊंगी वो बताने ही पड़ेंगे। आई बात समझ, क्लियर होगी तो तुम यहाँ लिख सकते हो, जब आंसर लिखोगे कि पूरा आंसर कैलकुलेट कर दो ना, हम यहाँ अभी हम इस स्टेप से यहाँ पहुंचेंगे, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे पहुंचते हैं। तो मैं लास्ट में एंड में अपने कंक्लूजन में लिख दो बेशक कि इन इंडिया प्रेजेंटली जीडीपी पॉइंट लिख भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाना पूरा है। ठीक है, दिखाना पूरा है, चले हम आगे। अब हमें जीडीपी एंड मार्केट प्राइस से हमें पहुंचना है कहाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। पहली चीज ग्रॉस है, हमें जाना है नेट में, ग्रॉस और नेट में याद रखेंगे, ग्रॉस और नेट में पहली चीज डिफरेंस होगी वो डेप्रिसिएशन। जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सबको पता है क्या होती है, मैंने वैल्यू ऑफ द
टर्म ऑफ द डे दी थी अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन की तरह ही होती है। जब हम बुक्स एंड अकाउंट्स में जब लिखते हैं उन बुक्स की वैल्यू कम होती जाती है विद टाइम, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब हम वो सारी डेप्रिसिएशन हमारे जितनी भी वैल्यू ऑफ द गुड्स सभी सेक्टर्स की आई होगी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान